हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली रिजल्ट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी को आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखिए, कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें आपको वहाँ पर एज पूछा जाता है। कई कई फॉर्म में यहाँ पर पूछा जाता है कि आप कितने साल के हुए, कितने महीने और कितना दिन टोटल वहाँ पर लिखना रहता है। तो आपको दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि आपको अपना एज कैसे निकालना है, आप कितने साल के हुए, कितना साल, कितना मंथ और कितना दिन आपका हुआ, ठीक है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे निकालना है। आज इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो वीडियो को बस आराम से देखते रहिए और स्टेप बाई स्टेप देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे जाइए और वहाँ पर आपको लाल बटन मिलेगा, देख सकते हैं, सब्सक्राइब का। सब्सक्राइब बटन को दबाइए और दबाने के बाद बगल में ये घंटी आपको दिखाई दे रहा है, घंटी को दबाइए और घंटी को दबाने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है। ताकि जैसे ही कोई भी गवर्नमेंट जॉब का न्यू जॉब आए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है एज कैलकुलेटर, ठीक है। एज कैलकुलेटर यहाँ पर लिख करके आपको सर्च कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही एज कैलकुलेटर लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने नया पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको देख सकते हैं ऊपर में आपको यहाँ पर आ रहा है तो agecalculator.net, ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है, देख सकते हैं एज कैलकुलेटर। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये बहुत ही यहाँ पर सिंपल, एक बार में बस अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपका अभी तक का, आज तक का आपका पूरा यहाँ पर डाटा दिखा देगा, कितना साल का हुआ, कितना महीना और कितना दिन, ठीक है। और जब तक आप निकालना चाहते हो सारा चीज़ वहाँ पर आपको दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आपका 1999 में डेट ऑफ बर्थ है तो 1999 से लेकर के 2015 तक हम कितने साल के हुए, सारा डिटेल यहाँ पर आपको बता देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है और एज एट द डेट ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसमें आप जब तक का चाहते हैं, अगर आप 2018 तक का अपना एज निकालना चाहते हैं, 2017 तक का या फिर आज तक का, प्रेजेंट का, तो उसका भी यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। तो आज 12 तारीख है तो यहाँ पर अपने आप से जो प्रेजेंट का टाइम है वो ले लिया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। अक्टूबर हो गया यहाँ पर और यहाँ पर डाल लेते हैं हम 1998 डाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम मान लीजिए आज तक का निकालना चाहते हैं, मतलब जो आज डेट है 12 अक्टूबर का, उस आज तक का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट का ऑप्शन दिया है, कैलकुलेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टोटल यहाँ पर आपका ब्यौरा खुल कर आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 19 साल 11 मंथ 25 दिन के अभी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला उसका यहाँ पर इतना दिन दिखा रहा है, ठीक है। 19 ईयर 11 मंथ 25 डेज यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 239 यहाँ पर पूरा दे दिया है और वीक के मंथ दिया है, और मतलब कि आप 19 साल में कितना मंथ हुआ, 239 मंथ दिया है। और वीक के बारे में बात करें तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर में दिया गया है यही, मतलब जो भी यही आपको कोई भी फॉर्म में पूछता है तो आपको यही डालना होता है, 19 साल 11 मंथ 25 दिन, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं, मान लीजिए अगर हम 2018 तक के ही चेक करना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ नीचे में आपको अपना ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, उसके बाद नीचे में आपको चेंज करना है। तो चलिए आपको यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए जनवरी 2019 तक यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2019 तक हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, मतलब ये अभी जो अक्टूबर चल रहा है तो हम 1 जनवरी 2019 तक, ठीक है। तो कैलकुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या डेट दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में ये पूछता है कि आपको मतलब कि 1 जनवरी या फिर कोई भी वहाँ पर डेट दिया रहता है, इससे पहले आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया। देख सकते हैं 19 साल 2 मंथ 20 दिन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। ऐसे आप अपना निकाल सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा करके डायरेक्ट वहाँ से आप यहाँ पर अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है एज कैलकुलेट करने में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम पूरा हेल्प करेंगे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी आएगा उसको भी दबाइए। और ऑल ओवर इंडिया या फिर बिहार गवर्नमेंट जितने भी जॉब होते हैं सबसे पहले आपको इस वेबसाइट चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि सबको मालूम चले कैसे अपना निकालना है।